नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं में पाठ्यपुस्तक क्षितिज में कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं राजेश जोशी। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। उनकी कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथे में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। प्रस्तुत कविता जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें उन्होंने बताया है कि बच्चों से बचपन जब छीना जाए तो किस प्रकार की पीड़ा होती है, उस पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। तो चलिए बढ़ते हैं, कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। तो प्रस्तुत कविता में जैसे ही बताया गया है कि कवि राजेश जोशी जो है, उन्होंने बच्चों से बचपन छीने जाने की पीड़ा को व्यक्त किया है, वो बताना चाहते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी सर्दियों से भरे हुए दिनों में जब सड़क पर जो है कोहरा छाया हुआ है, सुबह सवेरे ही बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। और यह कविता जो है एक सूचनात्मक पंक्ति में बताई गई है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, कि क्यों काम पर जा रहे हैं बच्चे। अब राजेश जोशी जो है वो आगे कहते हैं कि हमारे समय अर्थात वर्तमान की सबसे बड़ी सूचना जो है बच्चों के काम पर जाने का विषय है। वह समाज को आगाह करते हुए कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग, स्वास्थ्य, शैक्षिक परिवेश और चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए था, उनका काम पर जाना हमारे समय का सबसे अधिक भयानक सत्य है। आखिर क्यों वे इस काम की तलाश में जा रहे हैं, इस प्रश्न के सामने लाकर कवि एक प्रकार के समाज के सामने अनुत्तरित चुनौती रख देता है। क्योंकि शायद सामाजिक व्यवस्था ही वह मूलभूत कारण है जिसने विसंगति के सारे कारणों को जन्म दिया है। और कवि कहता है कि इस बात को हमारा समय विवरण की तरह ना ले, यानी कि इसे सवाल की तरह सोचना चाहिए, इसे दिमाग में ये रखना चाहिए कि क्यों जाते हैं बच्चे काम पर, आखिर ऐसी क्या समस्या है, आखिर ऐसी क्या कमी है हमारे देश में, आखिर ऐसे देश का विकास हो रहा है फिर भी इसमें क्या कमी रह गई है कि हमारे मासूम बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो कवि कहना चाहते हैं कि इसे विवरण की तरह ना लेकर इसे एक प्रश्न की तरह सोचना चाहिए लोगों को, क्योंकि जो भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला है वो बच्चे ही हैं और होने चाहिए। तो किन कारणों की वजह से वे सुबह सुबह उठकर काम पर जा रहे हैं, हमें इसे प्रश्न के माध्यम से सोचना चाहिए। अगले पद्यांश में वो कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो इस पंक्ति, इस पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, कि क्या दुनिया भर की सारी गेंद जो है वो अंतरिक्ष में गिर गई है, क्या सारी रंग बिरंगी किताबें जो है वो दीमकों ने खा ली है, क्या सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, क्या किसी भूकंप ने ऐसा भूकंप की वजह से सारे स्कूल जो है, हमारे विद्यालय जो है, मदरसे जिन्हें कहा गया है यहाँ पर, स्कूल की इमारतें जो हैं वो ढह गई हैं, क्या भूकंप ने उन्हें गिरा दिया है, क्या घरों के आंगन, बगीचे और खेल के मैदान एकाएक मतलब अचानक ही इस दुनिया से लापता हो गए हैं। कवि समाज से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ है जो बच्चे स्कूलों में, घरों में, खेल के मैदानों में दिखाई देने चाहिए थे, वे बच्चे जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए, गेंद होनी चाहिए, खिलौने होने चाहिए थे, उनके हाथों में अब काम दिखाई दे रहा है, उनके हाथ में काम पकड़ा दिया गया है और वे सर्दी में टूटते हुए काम पर जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो वो पूछना चाह रहा है सवाल जो है, समाज से पूछना चाह रहा है प्रश्न कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पद्यांश है वो है
तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बहुत बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं। अब जो अंतिम पद्यांश है उसमें कवि कहना चाहता है कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस समाज व्यवस्था, यानी कि उसका अभिप्राय है दुनिया से, उसका अभिप्राय दुनिया से वो कहना चाहता है कि जिस व्यवस्था ने इस बचपन को ही मार दिया, अब तो उसके पास बचेगा ही क्या। बच्चे के बचपन को ही यदि खत्म कर दिया जाएगा तो उसके पास क्या बचेगा। लेकिन वस्तु स्थिति यह नहीं है। वह कहते हैं कि दुख इस बात का है कि दुनिया भर की सारी चीजें वैसी की वैसी ही पड़ी हैं। ना तो गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं, ना किताबों को दीमकों ने खा लिया है, ना पहाड़ के नीचे जो है खिलौने दब गए हैं, ना भूकंप ने स्कूलों की इमारतों को गिरा दिया है, ना सारे मैदान, सारे बगीचे, घर के आंगन भी वही के वही है। लेकिन फिर भी बच्चे उन पर खेलते हुए पढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, वो हमें केवल काम करते हुए ही नजर आ रहे हैं। अर्थात उन बच्चों को जिन्हें इन चीजों की जरूरत है वे उन्हें नहीं मिल सकती। तो ऐसा क्यों, कवि यहाँ पर ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों, आखिर समाज में ऐसा क्यों नहीं हुआ, समाज इतना विकसित क्यों नहीं हो रहा है कि बच्चों को काम पर जाने से रोका जाए। क्योंकि वे इन्हें पाने में आर्थिक समर्थ से शायद वंचित हैं, उनके माता पिता या उनका जो हम कह सकते हैं कि परिवार, वो इतना समर्थ नहीं है कि उन्हें काम पर, उन्हें जो है इस तरह के सब कुछ, उनका इंतजाम किया जाए, खेलने के लिए उन्हें गेंदें दी जाए, उनके पढ़ने के लिए उन्हें स्कूलों में भेजा जाए, इसलिए वो आर्थिक समर्थ नहीं है उनके अंदर। और यही कारण है कि सब कुछ रहने के बावजूद भी हजारों सड़कों पर बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है वो काम पर जा रहे हैं। जैसे दुनिया ने रोटी और रुपए की तलाश में श्रम करना ही उनकी नियति बना दी हो, उनका भाग्य बना दिया हो। तो इस कविता के माध्यम से कवि जो है वो यही बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो समाज को आगाह करना चाहते हैं, समाज के सामने एक प्रश्न रखना चाहते हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बाद इसका प्रश्न अभ्यास। सबसे पहला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने और विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो कविता की पहली दो पंक्तियां जो है उससे पढ़ने पर क्या पता लगता है, हमें इसका उत्तर देना है। तो कविता की पहली दो पंक्तियां जो है वो बहुत ही मार्मिक है, उनसे मार्मिक अनुभव से युक्त है, क्योंकि कोहरे से ढकी हुई सड़क पर जब छोटे छोटे बच्चों को काम करने के लिए जाते हुए पढ़कर एक चित्र सा बन जाता है हमारे दिमाग में, उसे सोचकर पाठक के मन में करुणा की सृष्टि का विकास होता है, करुणा की सृष्टि उजागर होती है। दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की इस दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न की तरह इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि जिन बच्चों को स्वाभाविक रूप से खेलने कूदने पढ़ने और अपने जीवन का विकास करने की आवश्यकता है, और यह उनका नैतिक अधिकार भी है, लेकिन ऐसे कौन से कारण और विवशताएं हैं जिनसे प्रेरित होकर वे अपना स्वाभाविक जीवन से वंचित हो गए हैं। तो इसका उत्तर जो है कवि जो है वो जानना चाहता है। प्रश्न नंबर 3 है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, सामाजिक आर्थिक विडंबना के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन से वंचित हैं, क्योंकि इसी विडंबना ने उनके हाथ में कलम की जगह जो है वो काम पकड़ा दिया है। तो सामाजिक आर्थिक विडंबना के कारण ही हम कह सकते हैं कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित हैं। प्रश्न नंबर 4 है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता, इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा जाएगा कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हर किसी को काम पर जाते बच्चों को देखकर अटपटा नहीं लगता, इस उदासीनता का कारण यह हो सकता है कि आज आवश्यकताएं जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और आय के साधन जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, साथ ही निम्न वर्ग निरंतर आर्थिक तंगी का सामना करता जा रहा है।
प्रश्न नंबर 5 है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? इसका उत्तर आप अपने आप ही लिख सकते हैं, स्वयं लिख सकते हैं कि जहां जहां आपने देखा है वहां वहां का विवरण आप उत्तर में लिख सकते हैं। जैसे बच्चों में प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य है, जब भी बच्चे शिक्षा की जगह काम पर खेलकूद की जगह पेट भरने की समस्याओं से जूझेंगे तो प्रत्येक देश का भविष्य जो है वो अंधकारपूर्ण हो जाएगा। इसलिए बच्चों का काम पर जाना जो है वो हमारे लिए बहुत ही मार्मिक स्थिति है, बहुत ही करुणापूर्ण स्थिति है और बच्चों को बहुत से स्थानों पर काम करते हुए हमने देखा भी है। उसके बाद है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो बच्चों का काम पर जाना जो है वो धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान है क्योंकि ये एक बहुत ही गहरी स्थिति है जिसका हमें सुधार करना चाहिए, जिसके लिए देश या समाज को आगे बढ़ना चाहिए, जिसके लिए देश या समाज क्योंकि समाज की जो हमारे देश का विकास है वो बच्चों के माध्यम से ही हो सकता है। बच्चे जो देश का भविष्य कहलाते हैं, इसीलिए बच्चों का काम पर जाना समाज के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़े हादसे के समान है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न के जो उत्तर हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। तो इसी प्रकार से इस कविता में बाल मजदूरी जो है वो अहम समस्या है जिससे जिस इस कविता के माध्यम से कवि जो है वो समाज के सामने रखना चाहते हैं। बाल मजदूरी को की जो भयानक समस्या है उसे दूर करने के लिए प्रयास करना चाहता है और समाज को उस स्थिति से आगाह करवाना चाहता है। तो धन्यवाद।